सरसों सरला में रोल किया मकरंद भाई के साथ जयपुर में, जयरंगा में लोगों ने देखा, और उस नाटक के बाद में एक बड़ी चर्चा थी कि आप दोनों के अभिनय को लेकर के, कि दोनों में से किसके, मतलब अगर मार्किंग की जाए तो किसको ज़्यादा नंबर दिए जाएँ। तो मकरंद भाई आपके सामने एज एन एक्टर भी थे और एज ए डायरेक्टर भी थे, तो एज एन एक्टर शायद आपका उनसे कंपटीशन रहा होगा, एज ए डायरेक्टर जब ये आपको गाइड करते थे तब आपको कैसा महसूस होता था कि यार ये खुद एक एक्टर है मेरे सामने, अगर इनके साथ मैं कैसे कॉम्बिनेशन बैठाऊंगा, ऐसा कुछ क्लेश होता था? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ ना, ऐसा ये समझ में नहीं आता। मतलब आप एक्टर, चाहे मैं अगर मेरा 2 मिनट का भी किरदार है तो भी वो वैसे ऐसा कुछ नहीं है कि लो मैं फनी इधर कर रहा हूँ तो मैं ऐसा मैंने कोशिश की थी कि भैया ऐसे फंबर उम्बल करवा दूँ, अलग अलग लाइनें बोलूँ, पर हो जाता है ना कभी कभी कि ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। आइए, वेलकम वेलकम। ये लोग अभी सुबह 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 मतलब नहीं सुबह निकले घर से और रिहर्सल करते हुए आए हैं, ऐसे बता रहे थे हमारे ग्रुप पे। और ये है निवेदिता भट्टाचार्य जी, ये आज के नाटक में वही बता देगी कौन सा किरदार करेगी, क्षिति जोग और नेहा जोशी। तो आपको पता चल जाएगा कि इन्होंने जो मुझसे सवाल पूछा था कि मराठी एक्टर, हिंदी एक्टर या यहाँ पर बैठा हुआ ये मारवाड़ी एक्टर, मतलब इसने कहा इसलिए कह रहा हूँ, मैं कुछ कहना नहीं है। पर क्या वो एक्टर के अपने जो अंदाज होते हैं, अपनी जो शैलियाँ हैं, उससे क्या वे अलग साबित होते हैं या वो उनकी इंटेंसिटी बदलती है, उनका मीटर बदलता है? ज़रूर बदलता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो इम्पैक्ट है वो बिल्कुल वैसे ही रहता है। जो आप देखोगे कि ये लखनऊ से हैं, ये महाराष्ट्र से हैं, ये क्षिति जोग है, इनके फादर मदर दोनों एक्टर हैं, बहुत ही रिस्पेक्टेड एक्टर्स इन ऑन मराठी रंगमंच फिल्म इंडस्ट्री। इनके फादर को आपने फिल्मों में भी देखा होगा, हिंदी फिल्मों में अनुज जोग, और बहुत अच्छे कलाकार, और उनकी ग्रैंड मदर तो बहुत बड़ी एक्ट्रेस रही है, शांता जोग। सो शी कम्स फ्रॉम द लीनेज एंड शी इज़ एन एक्टर हियर। एंड नेहा जोशी, शी कम्स फ्रॉम नासिक एंड शी इज अगेन, हर पेरेंट्स आर पार्ट ऑफ थिएटर एंड शी इज एब्सोल्यूटली फ्रॉम थिएटर एंड शी इज डूइंग अ बिग, एक ट्रियोलॉजी हो रही है, बहुत बड़े प्लेराइट है महेश कुंजवार, उनकी ट्रियोलॉजी हो रही है वाडा की मराठी में, तो उसके शोज़ वो करती हैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में, तो वो भी आई है। तो सो वी हैव इन दिस प्ले यू विल सी द वैरायटी ऑफ एक्टर्स, जहाँ पर उनकी शैलियाँ अलग है, और वो जब साथ में आपको मंच पर नज़र आएगी, मतलब वो लिखी पढ़ी एक्ट्रेस है नेहा जोशी, संजय ददीज बिल्कुल भी अनपढ़ एक्टर है, और आप दोनों को देखोगे कि उतना ही प्रभाव दोनों के साथ में सीन्स होंगे। ये इम्प्रोवाइज करता रहेगा अपने अपने हिसाब से, लाफ्टर जैसे और मिलेंगे। बड़ा ग्रीडी एक्टर है ये, फिर मैं उसको रोकूंगा, आप देखना। मगर भाई अभी भी आपने कहा कि एक लिखे पढ़े एक्टर है और ये हमारा अनपढ़ एक्टर है, यानी कि एक ट्रेंड एक्टर में अनट्रेंड एक्टर में आपको क्या लगता है कि कोई एक विशेष फ़र्क पाया जाता है या कुछ उसका ट्रेनिंग का कुछ फ़ायदा मिलता है? मुझे लगता है बहुत ही एक इंटरेस्टिंग मामला तो ये होता है कि ट्रेंड एक्टर होना बहुत अच्छी बात होती है, इसलिए क्योंकि वो उनका ग्रामर क्लियर होता है, और ग्रामर क्लियर होने में कोई गलत बात नहीं है। ये वो वाली बात होगी कि कॉपी बुक स्टाइल क्रिकेटिंग स्ट्रोक खेल सकता है क्या, और वो कॉपी बुक स्टाइल अगर क्रिकेटिंग स्ट्रोक खेल सकता है तो वही इम्प्रोवाइज भी कर सकता है क्योंकि उसको पता है। सो आई थिंक दैट इज़ अ प्लस पॉइंट। संजय ददीत जैसा आदमी ऐसा है कि ये वो है कि वो आपको समझ में ही नहीं आएगा कब ये चौका मारेगा, क्योंकि इसको खुद को भी नहीं पता, क्योंकि वो एज अ पर्सनैलिटी ऊपर होता है, हावी हो जाता है उसका, उसकी जो यूनिक पर्सनैलिटी है दैट विल ऑलवेज सरप्राइज।
एंड आई थिंक बोथ आर एक्साइटिंग. इट ऑल डिपेंड्स ऑन इवेंचुअली आप स्टेज पर अपनी पर्सनैलिटी अपने नॉलेज के साथ खड़े रह पाते हो या नहीं. शुरू शुरू में आपने बताया मकरंद भाई कि एक व्यक्ति अभिनेता बन जाता है तो उसके बाद डायरेक्टर नहीं बनना चाहता क्योंकि डायरेक्टर को अभिनेता बहुत परेशान करता है. तो आप अभिनेता से खुद डायरेक्टर भी बने और आप खुद भी अभिनेता थे तो आपने अपने आप को कितना परेशान किया. I would like actors to, but उसके पहले एक छोटा सा बता दूं मैं कि मैं एक एक्टर बहुत ही रिलक्टेंट एक्टर था पहले. मैं अपने नाटकों में बिल्कुल काम नहीं करता. पहले एक नाटक में सिर्फ काम किया था. उसके बाद कई साल तक मैंने काम ही नहीं किया. मेरे पास एक कमाल का एक्टर था के मेनन, तो वो कर देता था. वो इनका हस्बैंड है. ये दोनों की शादी हमारे थिएटर ग्रुप में हुई है. दैट्स वन ऑफ द बोथ एक्टर्स मीटिंग. दैट्स वन ऑफ दोस ब्यूटीफुल थिंग्स हैपन. एंड सच अ फिनोमिनल एक्टर. सो आई डिडंट हैव टू एक्ट. सो आफ्टर फ्यू लॉट ऑफ देन सुधीर पांडे वॉज देयर वॉज पार्ट ऑफ अस. बहुत सीनियर एक्टर्स बहुत अच्छे एक्टर्स थे इसलिए. लेकिन एक पॉइंट के बाद मैंने फिर से काम करना शुरू किया अपने नाटकों में. और एज एन एक्टर मैं सच बताऊं आपको मैं अपने निर्देशक के लिए अच्छा एक्टर इसलिए हूं क्योंकि वो कहीं भी खड़ा कर दे तो भी मैं खड़ा हो जाता हूं. एज एन एक्टर मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि मैं इतनी रिहर्सल्स चाहिए या ऐसा होना चाहिए. आप मुझे रोज़ बदल सकते हो. आई एम ओके विद इट. लेकिन एज अ डायरेक्टर आई एम अ लिटिल डिफिकल्ट मैन फॉर द राइटर इन मी. बिकॉज बीच में मुझे ऐसा लगा था कि यार ये वही राइटर वही लिख रहा है यार. अब मैं तूने लिखा हुआ नहीं करूँगा. इसलिए एक साल डेढ़ साल मैंने बिल्कुल भी लिखा भी नहीं और किया भी नहीं नाटक. वो मेरा निर्देशक थोड़ा सा डिमांडिंग है. और तभी फिर उन दिनों में मैं पढ़ता रहा और टैगोर साहब का मैंने आज यहाँ भरे रविंद्र मंच में कला मंच में तो टैगोर साहब का नाटक मैंने किया था चित्रा. उसमें के मेनन और संजना कपूर इन दोनों ने प्रमुख भूमिकाएं निभाई थी. और वो करने के बाद फिर से मैंने एज अ राइटर लिखना शुरू कर दिया. और उसके बाद मेरे जीवन में पंडित सत्यदेव दुबे साहब भी आए. तो वो बहुत ही बोलते हैं ना वो ब्रेक वो मेरे काम का है. लेकिन एज एन एक्टर आई थिंक मे बी they'll be able to answer whether I'm a difficult director or not. But as a writer के लिए मेरा director बहुत difficult है. मकरंद भाई आज के ज़माने में लोग फिल्म भी बहुत छोटी देखना चाहते हैं. उनके पास समय भी नहीं है कोई एक घंटे की सवा घंटे की. लेकिन आप ढाई घंटे से कम का प्ले नहीं लिखते. सच बताओ बोलना बहुत अच्छा लगता है. जिसको बातूनी है जो बातूनी है वो अगर मंच मिल जाए तो थोड़ी ना सोचे मैं डेढ़ घंटे में चला जाऊंगा. कितना मूर्ख है. लोग बनठन के आते हैं. आजकल मुंबई में अगर किसी थिएटर में पहुंचना है तो दो घंटे लग जाते हैं. तो दो घंटे लगे आ गए पहुंचने में तो ढाई घंटे का नाटक ना देंगे वो. क्या बात. दो घंटे आ गए दो घंटे जाने में और बीच में एक घंटे का नाटक देख लिया क्या मजा आएगा. और फिर आए नहीं फिर अगले बार. तो नहीं सच बात तो ये है कि माइक टायसन की एक फाइट मुझे याद है जब उसने डेढ़ मिनट में हरा दिया था. लोग बेचारे पार्किंग में थोड़ा लेट हो गए थे और फाइट भी मिस गई थी. मैंने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए यार. नाटक ऐसा चलते रहना चाहिए. और मुझे बताइए कई बार हम ऐसा होता है ये लोग कहते हैं ना कि लंबे नाटक होते बोर होता है यार. मैंने कहा जीवन कितना बोरिंग है ज़रा देख ले सुबह से शाम तक. मैं तो तेरे को ढाई घंटे में हो सकता है 15 मिनट बोर कर रहा हूँ. सवा दो घंटे तो एंटरटेन कर रहा हूँ ना. तो थोड़ा बोर करने का मेरा भी तो हक है कि नहीं. और मुझे लगता है थोड़ा बोर हो जाना चाहिए. थोड़ा बोर होने के बाद और मज़ा लेता है ना. थोड़ी जैसी झपकी ले लेनी चाहिए. मुझे लोग कहते हैं कोई लोग आदमी सो जाए तो मैंने कहा अच्छा है बाद में तरोताज़ा होके देखेगा. वैसे ही लोग मुझे लगता है बहुत कम सोते हैं. है ना जागते हुए बहुत कम लोग मिलते हैं. तो थोड़ा सा मौका मैं नाटक में ही दे देता हूँ. थोड़ा सा जो पहला प्ले मकरंद भाई का हमारे पास आया था जयरंगा में तो उसकी ड्यूरेशन जब हमने देखी तो हमने कहा 2.5-3 घंटे का नाटक था. जयपुर में इतना बड़ा प्ले देखने की परंपरा नहीं है. लोगों की आदत नहीं है. तो हमें लग रहा था ये 2.5-3 घंटे लोभा कैसे नाटक झेलेंगे बहुत मुश्किल हो जाएगी. अब मकरंद भाई से कैसे गए कि नाटक को छोटा कर दो. हमने दीपक जी से बोला दीपक जी ने मेरे से बोला हमने मकरंद भाई को फ़ोन किया. मैंने कहा दादा नाटक कुछ लंबा नहीं है दादा. बोले 2.5-3 घंटे में से कोई आदमी 1 मिनट भी हिल गया ना नाटक करना बंद कर दूंगा. और उस दिन 2.5-3 घंटे का ऐसा पब्लिक हिली नहीं अपनी जगह से. इंटरवल किया 10 मिनट का. जयपुर में इंटरवल करते डरते हैं लोग नाटक में.
इंटरव्यू लिखा था आधे बार भी घर चली जाएगी। उस दिन जितने लोग बैठे थे उतने के उतने लोग लास्ट तक बैठे रहे और नाटक को उन्होंने इतनी तारीफ दी और इस तरह से लिया कि बस पूछो मत। मेरे ख्याल से आई थिंक ये कह रही कुछ कि एक और शो करना पड़ा था उस बार, क्योंकि जो नाटक समझ में नहीं आया था वो बाद में फिर से समझने की कोशिश की थी लोगों ने। किसने कहा 2.5 घंटे में पूरा नाटक समझ में आता है? पर जब बड़ा नाटक होता है तो ये फायदा ज़रूर होता है कुछ ना कुछ समझ में आ ही जाता है। देखो मेरा मैं बहुत चालाक राइटर हूँ कि मैं जब पूरा ना समझ में आए तो भी कुछ ना कुछ मेरे हाथ में लग गया है ना। सच बात तो ये है कि मैं कभी कभी ये भी कह देता हूँ कि अगर आपको नाटक नाटक लगे तो आप अपने पैसे वापस ले जाइएगा, और ये भी चालाकी है मेरी, क्योंकि जब मैं कहता हूँ कि नाटक नाटक लगे तो आदमी देख रहा है नाटक लग रहा है और उसमें वो इन्वॉल्व हो जाता है, और इन्वॉल्व हो गया फिर नाटक थोड़ी ना रहेगा। इंसान दो जो लोग दो झूठ बोल रहे हैं एक दूसरे से, एक पॉइंट के बाद वो सच लगने लगता है क्योंकि दोनों बड़े विश्वास के साथ झूठ बोल रहे हैं। चलिए आज मौका हमारे साथ की 3 खूबसूरत एक्ट्रेस भी यहाँ मौजूद हैं, इनकी उपस्थिति का फ़ायदा उठाया जाए। सबसे पहले निवेदिता जी आपसे शुरू करता हूँ, आपने कैसे रंगमंच की शुरुआत कैसे करी, कहाँ से करी, और एक बीइंग ए वुमेन बीइंग ए लड़की आपको किस किस तरह की प्रॉब्लम्स आई? जैसे कि हमारे जयपुर में होता है कि हमें फीमेल कास्ट मिलती नहीं, मिल जाती है तो उसको आने जाने की प्रॉब्लम होती है कि वो देर रात तक जाएगी तो कौन छोड़ने जाएगा, कौन लेने आएगा, आपके वहाँ इस तरह का कैसा एक्सपीरियंस रहा? एक्चुअली मेरी शुरुआत तो लखनऊ में हुई थी, मैं लखनऊ की हूँ, तो मुझे थैंकफुली ये दिक्कत कभी नहीं आई कि नाटक कैसे करें, या क्यों फैमिली कोई प्रेशर नहीं था। मेरी फैमिली में शुरू से फ्रॉम माई फादर्स साइड सब थिएटर से जुड़े हुए लोग हैं, तो बल्कि ये बहुत बड़ा वेलकम था कि अरे तुम्हें भी नाटक करना है। सो मेरे लिए नाटक करना दिक्कत नहीं था, बट हाँ ये जो बेसिक प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं कि रात होगी तो ड्रॉप कैसे किया जाए, बट आई थिंक जब आप किसी भी नाटक ग्रुप में हो तो उस चीज़ की जिम्मेदारी ऑटोमेटिक इट जस्ट फॉल्स इन प्लेस, आपको ड्रॉप कर दिया जाता है, वक्त पे वक्त है तो पिकअप किया जाता है, उतना ध्यान रख लेते हैं सबके सब इट्स अ फैमिली। सो शुरुआत लखनऊ से हुई बट सफ़र चलता रहा, और फिर मैं बॉम्बे आई तो बहुत ही फ़नी इंसिडेंट था जब मैं मकरन जी से मिली थी। हमारा नाटक मतलब नाटक के मंच पे मुलाकात ही नहीं हुई थी हमारी, हम कोई और एक कोई शो सीरियल कर रहे थे और उसकी कोई रीडिंग करनी थी हमें किसी चैनल के सामने, और रीडिंग में हम दोनों की मुलाकात हुई और मकरन जी ने सिर्फ मेरी रीडिंग सुनी, ही डिडंट इवन सी, ही हैड नॉट सीन मी एक्ट और नथिंग, एंड ही जस्ट सेड कि एक प्ले कर रहे हैं करूँगी, और मुझे बॉम्बे आए हुए थोड़ा समय हो गया था ना, आई वॉज वेटिंग टू स्टार्ट थिएटर इन बॉम्बे, और आई सेड यस, और अगले दिन मैं पहुँच गई इनके रिहर्सल पे। और तब से बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि मतलब एक एक्टर या रंगकर्मी के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ रोक के हैं कि रीडिंग हो रही थी, वो सीरियल की हो गई रीडिंग, लेकिन रीडिंग में क्या होता है कि आप एक दूसरे को देख नहीं रहे, आप पढ़ रहे हो, तो जब आप पढ़ रहे हो तो आप किसी को सुन रहे हो, और जब मैं इनकी आवाज़ सुन रहा था, अभी भी आप सुन रहे होंगे, अभी एक टेम्पो बोल रही है अलग बात है, लेकिन जब ये बोलती है तो इनकी भाषा, उसका उच्चारण, उसका नाद इतना साफ है, लय है उसमें, वो जब मैंने सुना था तब मुझे ऐसा लगा था अरे अगर मैं जो भी नाटक करता, मेरे सामने ऐसा कोई किरदार था नहीं, था भी लेकिन पूरी तरह नहीं था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि साफ बोलती है, साफ बोलने वाले लोग बहुत कम हैं, तो सुनना बहुत ज़रूरी है। और आज भी आप सुनोगे ये, जब नाटक में काम करेगी, जब संवाद बोलेगी, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों मैंने इससे कहा था आ जा, और तब से वो हमारे साथ है। हमारे बीच में हेमंत बर्वे साहब भी हैं, शैलेंद्र बर्वे सॉरी। आपने नाटकों में भी संगीत दिया है, आपने फिल्मों में भी संगीत दिया है, तो नाटकों में संगीत जब आप देते हैं तो क्या सोच रहता है, क्या प्रक्रिया रहती है, और फिल्मों में देते हैं तो क्या सोच और क्या प्रक्रिया रहती है? एक्चुअली दो अलग अलग मीडियम्स है, प्रोसेस तो सेम ही है दोनों काम करने, बट नाटकों में जब मैं म्यूज़िक करता हूँ तो मकरन जी के साथ इट्स बीन अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस, क्योंकि इनके साथ मुझे लाइव म्यूज़िक करने का मौका मिला फॉर द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ। मैं पहले भी मराठी थिएटर करता था, बट उसमें हम लोग म्यूज़िक सारा रिकॉर्ड कर लेते थे और फिर कोई बजा देता था जगह पर, लेकिन यहाँ पर मकरन जी के साथ एक इवॉल्व होने का, एक इवॉल्व होने की जो प्रोसेस होती है कि
म्यूजिक एक आप सोच के नाटक रिहर्सल देख के एक उसका स्ट्रक्चर आप सोच लेते हो पहले कि ओके क्या होगा इसका एक स्टाइलिंग क्या होगा इसका ऑर्केस्ट्रेशन क्या होगा ये सोच लेते हो कुछ पीसेस आप रिकॉर्ड कर लेते हो एंड बाकी जो बनता है वो वहाँ बनता है प्ले के साथ बनता है मतलब फॉर मी इट्स अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस बिकॉज हर शो में म्यूजिक कभी कभी अलग होता है उसकी जगह भी अलग होती है क्योंकि हर शो अलग होता है ये लोग कुछ लाइनें किस तरह से एक दिन एक शो कभी कभी तो ये हम लोगों के कभी कभी दो शोज होते हैं 6 और 9 तो दोनों शोज में म्यूजिक अलग मुझे काफ़ी ऑडियंस ने आके पूछा है कि जो ऑडियंस 6 में भी बैठी थी 9 में भी बैठी थी उन्होंने पूछा कि यार 6 में जो वो बजा था वो इसमें बजा ही नहीं तो मैंने बोला कि वो शो हुआ ही नहीं ये शो अलग था तो इसलिए यहाँ पर बजाया अपने सो इट्स अ ब्यूटिफुल फिल्मों में जब हम करते हैं तो एवरीथिंग इज लॉक्ड in a frame because the film is already locked of course film shuru hone ke pehle ek discussion hota hai jisme ek back and forth kafi ho jata hai before the film is shot to but after one point everything is locked so you have to follow what has been done so it's a very definite structure matlab after a point so static hai to that is why I loved and I love doing theater Makran ji ke sath it's been a great learning process for me kyunki kabhi kabhi abhi main kya karta hu main reverse bhi karta hu kabhi kabhi Makran ji ke sath 2000 se maine Sarla mera first play tha Sarla music main live karte gaya recorded bhi karte gaya dono mix karke karte gaya alag alag abhi kabhi kabhi main film ka background music karta hu to main इसको अप्लाई करता हूँ फिल्म के बैकग्राउंड म्यूजिक में गाने तो कर लेते हैं हम लोग पहले खैर मैं फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक करता हूँ तो मैं फिल्म की रील जो होती है जो लॉक्ड होती है उसको मैं रन करता हूँ और सिंगल लाइन पियानो पे मैं जो घट रहा है उसको सिर्फ बजाते जाता हूँ लाइक अ प्ले जो स्क्रीन पर जो हो रहा है उसको सिर्फ बजाते जाता हूँ एंड देन आई डू इट सेवरल टाइम्स मतलब मैं एक बार करता हूँ दो बार करता हूँ तीन बार करता हूँ एंड देन मैं अलग अलग समय पर उसको सुनता हूँ खुद कि मैंने क्या किया था इधर ये लेयर में मैंने क्या किया था इसको म्यूट करके ये लेयर में मैंने क्या किया था सो समटाइम्स देयर इज सच ब्यूटीफुल स्पॉन्टेनिटी दैट गेट्स लॉक्ड कि आप डिसाइड करके वो स्कोर कर ही नहीं सकते तो उसको उसको फिर वो सिंगल लाइन को लॉक करके फिर हम लोग उसको रिवर्स लेके फिर उसका स्ट्रक्चर पूरा अरेंजमेंट्स ऑर्केस्ट्रेशन सब उल्टा हो जाता है सो या आई हैव नहीं बहुत बढ़िया रिवर्स आगे कहता है कि फिल्मों में थिएटर का नहीं है ये थिएटर की सेंसिबिलिटीज का कंट्रीब्यूशन एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली एंड थिएटर में लाइव म्यूजिक करना वो यू नो इट्स ऑलमोस्ट लाइक यू नो आपने वो देखी होगी कभी वीडियोस की जेट फाइटर्स कभी जाते हैं ना एयर में तो उनकी फ्यूल कैपेसिटी कम होती है एंड समटाइम्स उनको कहीं लंबा जाके रेड करना होता है तो एक बड़ा बाजू में टैंकर आता है और उसको हवा में ही रिफ्यूल करके चला जाता है यू नो इट्स ऑलमोस्ट लाइक दैट डूइंग म्यूजिक फॉर अ प्ले लाइव इज ऑलमोस्ट लाइक दैट कि मूवमेंट को ही आप अलग एक साथ में आके पैरेलली आप एक क्रिएट करो सो इट्स अ ग्रेट लर्निंग प्रोसेस एंड ब्रिलियंट फन